नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ओगैती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कार्य चल रहा है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि थाना पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि खनन को लेकर पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। SSP बदायूं संकल शर्मा द्वारा पहले भी खनन को लेकर 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया जा चुका है। खनन माफिया पुलिस पर इस तरह हावी है कि अब JCB व ट्रैक्टर ट्राली को छोड़कर बैलगाड़ी द्वारा खनन करना शुरू कर दिया है। खनन का खेल पुलिस के सामने कुछ ही दूरी पर खुलेआम चल रहा है, फिर भी थाना पुलिस मार्गदर्शक बनी हुई है। वहीं महानगर व लौतर के जंगल में खेतीहर में हो रहा है बैलगाड़ियों से खनन को लेकर डायल 112 पुलिस को भी सहारा रुकवाने की कोशिश भी की गई। वही खेत स्वामियों में चर्चा है कि कुछ समय बाद बारिश होते ही अगर खनन के कारण हो रहे गहरे गड्ढों में पानी अगर भर जाता है और किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। जबकि पहले भी थाना क्षेत्र में ऐसे ही गड्ढों में पानी भर जाने के कारण कई बच्चों की डूबकर मौत भी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव नाम है आपके पिताजी का? नाम क्या था? छोटी सी। आपके जो गांव के बराबर में जो खेत है आपका, गांव क्या नाम है? लोथर। लोथर के रहने वाले हैं आप? जो आपका खेत जो है गांव के बराबर में है, जहां अवैध खनन चल रहा है, 15-20 डल्लब से लगातार मट्टी भरी जा रही है, कम से कम 10 फीट की गहराई तक खोदी जा चुकी है। आपको पता है इसकी सूचना है? आपको किसी ने नहीं दी सूचना? अब जैसे जानकारी हुई है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम बंद करवा सकते हैं। बंद करवाएंगे? अभी आप कह रहे थे आपने 100 नंबर पे कॉल की तो हमने नहीं कही, और जो मतलब और पास खेतों वालों ने उनने कही। 100 नंबर पे कॉल की? 100 नंबर वाले मैंने करके साहब मट्टी मतलब बंद यानी बंद करवाई गई। फिर यानी 2 दिन बाद 100 नंबर पे कब की कॉल? लगभग हो गए यानी तो 1 महीने से लगातार मिट्टी उठ रही है। जब नहीं बंद है तो कुछ दिन जब हमारे पास खत्म ना है तब से लगा दो यानी बंद कर दे। ये जो आपके डल्लब चल रहे हैं यहाँ पे लगभग 15-20 डल्लब हैं, तो इसकी परमिशन है या बिना परमिशन की ये चल रहा? बिना परमिशन की। अच्छा, तो कितने दिनों से ये मिट्टी डल रही है? क्या से रहे होंगे 15-20 दिन। हाँ से रहे। अच्छा, डल्लब भी तो बहुत चल रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता पुष्पेन कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट।